ओके हाय एवरीवन, हम लोग फिर आज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपको मजा आया होगा, पिछले क्लास में मैंने आपको डिकोडर शुरू किया था आपके लिए, ठीक है ना। तो डिकोडर जो आप ज्वाइन स्टार्ट किए थे उसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिकोडर 2 to 4 डिकोडर डिजाइन किए थे, है ना। तो आज हम लोग डिजाइन करेंगे 3 to 8 डिकोडर, ठीक है। अब इसको समझेंगे 2 to 4 और 3 to 8 डिकोडर कैसे डिजाइन करते हैं। तो ऐसा है कि डिकोडर में क्या होता है, आपको याद होगा डिकोडर में मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट भी मल्टीपल होता है और एक इनेबल पिन होता है, बस और तो कुछ नहीं। तो फर्स्ट वीडियो में हम आपको डिकोडर का डिजाइन 2 to 4 डिकोडर को ही डिजाइन किया था, लेकिन उसको दो तरीके से किया था, एक 9 गेट से किया था और सेम डिकोडर को एंड गेट से भी डिजाइन किया था, ठीक है। तो आज जो है हम लोग 3 to 8 डिकोडर को डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप कैसे भी कोई भी गेट से आप उसको डिजाइन करोगे, लेकिन जो चीपर होता है 9 गेट से हमेशा इकोनॉमिकल होता है आपका सर्किट डिजाइन करना, ठीक है। तो चलिए बात बहुत हो गई, हम लोग अब उसको डिजाइन करते हैं। हेडिंग में क्या कहती हूँ, 3 to 8 डिकोडर, क्लियर। इसके नाम से ही क्या पता पड़ रहा है कि आपका जो डिकोडर होगा, ठीक है, 3 to 8 डिकोडर, तो इसके नाम से आपको ये पता पड़ रहा है कि ये जो डिकोडर होगा, इस डिकोडर में नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे। तो आप कहोगे कि मैम नंबर ऑफ इनपुट 3 होंगे और आउटपुट कितने होंगे, 8 होंगे, है कि नहीं। तो हम लोग पढ़े भी थे कि भाई अगर n जो है वो कितना है, 3 है नंबर ऑफ इनपुट है, तो आउटपुट हमेशा एट मोस्ट कितना होगा भाई, तो 2 to the power 3, 2 to the power n से ज्यादा तो आप कॉम्बिनेशन जनरेट कर ही नहीं सकते हो। तो आपके पास जो आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, इस केस में 8 हो जाएगा, क्योंकि डिकोडर भी क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। डिकोडर भी क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो बड़े मजे की बात यह है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल खींचते हो, भाई ये तो एकदम पहला जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आप एक्सप्रेशन फाइंड करते हो, तब जाकर के आप क्या करते हो, सर्किट डिजाइन करते हो। तो हम लोग यहाँ पर भी 3 to 8 डिकोडर अगर अपने को डिजाइन करनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हम लोग को ट्रूथ टेबल खींचना पड़ेगा। तो ट्रूथ टेबल खींचने में हमको तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि इनपुट क्या क्या होगा। तो देखिए इनपुट अगर आप कह रहे हैं कि 3 इनपुट्स है, तो 3 इनपुट्स के केस में आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आप कह सकते हो कि मैम ए बी सी से अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ब्लाइंडली आपको 3 इनपुट से जितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो उसको लिख डालो। तो 2 4 6 8, है ना। तो 0 1 0 1, 2 0 2 1 अल्टरनेट करके हम लोग कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं, और फिर 4 0 4 1 अल्टरनेट करते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने क्या किया, 3 इनपुट से आपने 8 कॉम्बिनेशन इनपुट जो मैक्सिमम हो सकता है इसको जनरेट कर लिया, उसको लिख लिया। ट्रूथ टेबल तो ऐसे ही हम लोग खींचते हैं ना भाई, कि अगर 2 वेरिएबल है, 3 है 4 है, कितने वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉम्बिनेशन इनपुट का तैयार कर लेते हैं, क्लियर है। अब देखिए हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट होता है आपका डिकोडर में। एक बात मैंने आपको 2 to 4 में भी बोला, 3 to 8 में भी मैं बोलूंगी कि भले ही ये जो है आपका क्या कर रहा है, 8 कॉम्बिनेशन इनपुट का है, तो यकीनन ये आउटपुट 8 होगा, लेकिन एटमोस्ट लेकिन एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होगा, ये बात भी इतना ही बड़ा सकते हैं, है ना। तो अगर इसको हम लोग एंड गेट से डिजाइन करें तो इसके आउटपुट कितने होंगे, 8। तो इसको भी अपन लिख सकते हैं, इसको ब्लैक पेन से मैं लिखूं मार्कर से, ठीक है। तो इसके आउटपुट को भी आपको ट्रुथ टेबल में तो है इनपुट आउटपुट सब दिखाने पड़ते हैं ना, तो आपको दिखाने पड़ेंगे आउटपुट भी। तो 3 to 8 के केस में जो आपका आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, y1 y2 y3 y4 एंड फिर y5 y6 एंड देन y7 y0 to y7 आपका 8 आउटपुट हो गया। वेरी सिंपल, नथिंग टू रिमेंबर, जस्ट एंजॉय द सब्जेक्ट, राइट। कुछ भी आपको रटने जैसे इसमें बात नहीं करनी है, है ना। बड़े आराम से एक एक स्टेप आपका मैथमेटिक्स की तरह अपने आप सब्रिगेट होता चला जाता है और उसको आप खींचते जाते हैं। अब देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि जब सारा इनपुट क्या है आपका 0, तो आप कहते हैं मैम हमको आउटपुट में क्या होना चाहिए, वाई नॉट हाई होने चाहिए, है ना। When your all inputs are 0, then you want y
नॉट आउटपुट, बाकी सब जो आउटपुट है वो क्या हो जाने चाहिए, जीरो। क्योंकि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि डिकोडर जो है एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट देगा, यानी जब ये हाई होगा तो बाकी सब का सब क्या हो जाएगा, लो। सिमिलरली देखिए, जब ये, अब ये देखिए 001 है, तो ये 1 के करस्पॉन्डिंग आपका जो हाई इनपुट होगा, आउटपुट होगा, वो क्या हो जाएगा, Y1 हाई हो जाएगा। क्या हाई हो जाएगा? Y1। और बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे, है ना। बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, जीरो। सिमिलरली Y2 के करस्पॉन्डिंग जो है ये कौन हाई होगा, Y2 हाई होगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है, बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरीके से Y3 के करस्पॉन्डिंग आपका क्या हाई हो जाएगा, देखिए 011 के करस्पॉन्डिंग क्या हाई करेंगे, 3 के करस्पॉन्डिंग हाई, 3 डिप हो जाएगा आपका, Y3 हाई होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, रेस्ट रिमेनिंग बिट आर जीरो। ओके, सिमिलरली 100 यानी 4, है ना, डिकोड 100 का जो डिकोडिंग आउटपुट होगा, ये 100 किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे भी आप समझिए ना, देखिए ये डिकोड कर रहा है तो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हाई बिट किसको करेगा, 4 को करेगा, तो आउटपुट आपका जो Y4 है वो हाई होगा, बाकी जो रिमेनिंग आउटपुट है वो सब आपके क्या हो जाएंगे, 00। ये बात मैं किससे कर रही हूँ, ये बात मैं आपके सर्किट डिजाइन की एंड गेट के से कर रहे हैं, है ना। अगर यही सर्किट डिजाइन आपको नैंड गेट से करना होता तो आप क्या करते, तब आप आउटपुट को 0 से रिप्रेजेंट करते और रिमेनिंग बिट को 1 से रिप्रेजेंट करते थे। यही था ना आपका नैंड गेट से, जो मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में 2-4 में रिप्रेजेंट किया था, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी आराम से समझते रहिए कि भाई एंड गेट से डिजाइन कर रहे हैं तो ऐसे ही होगा। उसी तरीके से देखिए 105 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो निश्चित, सॉरी 101, ओके मैं थोड़ा सा क्या बताती, 101 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डेसिमल में 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आउटपुट इसमें किस पे हाई होगा, तो आप कहेंगे मैम 1 पे हाई होगा, यस, तो सॉरी 5 पे हाई होगा, तो 5 क्या है आपका, Y5 1 हो जाएगा, रेस्ट रिमेनिंग जो आपका आउटपुट है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्यार से इसको 0 लिख लीजिए, सबको 0 कर दिया हमने, है ना। उसी तरीके से Y6 जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हाई हो जाएगा, और बाकी जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, है ना। रेस्ट रिमेनिंग जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा आपका, 0। उसी तरीके से ऑल 3 1s, तो ये हो जाएगा आपका क्या, हाई 1। Y7 क्या हो जाएगा, 1। और बाकी का जो आउटपुट है वो सब आपका क्या हो गया, देखिए 0 हो गया। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना, सर्किट डिजाइन का जो फर्स्ट स्टेप है उसको आपने क्या किया, पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इसको आप क्या कीजिए कि इसको बना लीजिए, है ना, और ये आपका तैयार है, देख लीजिए आप खुद ही, इट इज योर इन फ्रंट ऑफ यू। ट्रूथ टेबल जब हमारा बन गया तो सारा काम मेरा आसान हो गया, है ना, जो सब कुछ है वो आपका ट्रूथ टेबल है, फटाफट खींच लिया आपने इसमें, कि चूंकि भाई 3-8 डिकोडर हमें बनानी है, तो इसमें क्या करना है, 3 इनपुट देना है, तो 3 इनपुट का 8 कॉम्बिनेशन आपने इनपुट में दे दिया। 3-8 का मतलब हो गया कि 8 आउटपुट है आपका, तो 8 आउटपुट आपने Y0 to Y7 आपने दिखा दिया, है ना, और जिस हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग 1 आउटपुट हाई होगा, तो उसको आपने 1-1-1 से दिखा दिया, है ना। तो जैसे ही आपका ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे आप, बन गया, ट्रूथ टेबल आपका तैयार है, तो अब आपके लिए जो है सर्किट डायग्राम खींचना है इसमें बेहद आसान हो गया। कैसे, तो अब आप इसको समझिए, देखिए इसको अब आप खुद से भी खींच सकते हैं, लेकिन मैं खींचती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब आपका वाई नॉट है 1, ठीक है, तो वाई नॉट के लिए जो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे वो असल में क्या है, 0 0 0, कि भाई वाई नॉट 1 कब होगा, जबकि ऑल इनपुट क्या हो, 0। तो जो ऑल इनपुट 0 है तो आपको मीन टर्म में दिखाना होता है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको क्या बोला कि ये लिखना उचित नहीं है, आपको समझने के लिए हमको लिखना पड़ता है ना, कि ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, दिस 0 बी को, दिस 0 सी को। तो जब अपन 1 इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तभी हमको क्या आएगा,
वन आएगा, तो हमेशा हमको जो मीन टर्म में आउटपुट अपन दिखाते हैं तो मीन टर्म मस्ट बी वन, है ना। तो वन करने के लिए आपको इसका एक्सप्रेशन निकल गया, तो एक्सप्रेशन निकल गया तो सर्किट डिजाइन तो आपके हाथ में बहुत आसान हो चुका है। देखिए अब ये क्या है आपका y1, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर एक्सप्रेशन लिख ले तो ट्रूथ टेबल का भी काम खत्म हो जाए। तो ये हो गया आपका बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली y1 के लिए आप देखिए, ये आपका वन है और इनपुट क्या है जीरो जीरो वन, तो जीरो जीरो वन है तो आप क्या लिखिएगा वाई वन बराबर जीरो जीरो वन, जीरो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और वन मतलब सी, है ना। जीरो जीरो वन का मतलब क्या ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी। देखिए वाई टू आपका वन कब हुआ है, तो वाई टू के लिए जो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे व्हाट यू विल राइट, तो आप कहिएगा कि मैम वाई टू हुआ जीरो वन जीरो पर, तो जीरो वन जीरो इसका मतलब क्या लिखने वाले हैं ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, है ना। जीरो वन जीरो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। सिमिलरली अब आप क्या लिखने वाले हैं y3, तो देखिए ये रहा आपका y3, y3 में आपका क्या हो गया जीरो वन वन, तो जीरो वन वन मतलब क्या जीरो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, राइट। तो देखिए इसको आप क्या लिखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी हो गया। उसी प्रकार से अब आप क्या लिखने वाले इस वन को y4, तो y4 को अब आप क्या लिखिएगा, देखिए y4 को आप लिख सकते हैं वन जीरो जीरो, ठीक है। तो वन जीरो जीरो का मतलब ए, जीरो जीरो मतलब बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से अब आप क्या लिख सकते हैं इस वन को क्या लिखिएगा वाई फाइव के बाद क्या है वाई सिक्स, तो वाई सिक्स में क्या हो जाएगा वन जीरो वन, वन जीरो वन का मतलब क्या है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, है ना, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, क्लियर। वन जीरो वन, तो वन की जगह ए, जीरो के जगह बी कॉम्प्लीमेंट सी, है ना। उसी तरीके से आपका क्या हो गया वाई सेवन, तो देखिए वाई सेवन कुछ गड़बड़ दिया क्या मैंने, कुछ छोड़ा है क्या, कुछ छोड़ तो दिया, वाई थ्री के बाद वाई फोर होना चाहिए था, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया है। तो वाई फोर में क्या हो जाएगा वन जीरो जीरो, तो लिखा मैंने एक्सप्रेशन सही है लेकिन इसको लिख दिया फोर, इसको फाइव कीजिए, है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका वाई सिक्स हो जाएगा, तो वाई सिक्स को देखिए ये रहा आपका वन, तो वन कब है वन वन जीरो पर, वन वन जीरो पर मतलब क्या है ए बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्या लिखिएगा ए बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। उसी प्रकार से वाई सेवन को आप देखिए, वाई सेवन जो है यहाँ पर आपका सब इनपुट क्या है ए बी सी, सब इनपुट क्या है आपका वन है, क्लियर, है ना। तो ये रहा आपका ए बी सी। अच्छा एक बात बताइए, ट्रूथ टेबल से जब आपने एक्सप्रेशन लिख लिया तो अब इस ट्रूथ टेबल को हमको रखने का जरूरत है, तो आप कहेंगे नहीं मैम हटा दीजिए, तो मैं इसको हटा देती हूँ, मेरे पास काफी जगह बन जाएगा सर्किट खींचने के लिए, तो अच्छा लगेगा, है ना। अब चलिए इसको मैंने हटा दिया, तो अब आपका जो है ये सर्किट खींचना बहुत आसान हो चुका है। ये रहा आपका ए बी और सी तीन इनपुट, है ना, तो ये आपका जो इनपुट है ये कॉम्प्लीमेंटेड भी है और विदाउट कॉम्प्लीमेंट भी है, तो जैसा रहेगा हम लोग दोनों टाइप के इनपुट को तैयार कर लेते हैं, जिसकी जरूरत होगी उसको लेकर खींच लिया जाएगा। क्या देखिए मैंने प्यार से सब इनपुट को कॉम्प्लीमेंट और विदाउट कॉम्प्लीमेंट लाइन खींच लिया है, अब मैं इसको सिर्फ मिलाने का काम करूंगी, है ना। अब देखिए वाई नॉट में क्या है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी तीनों कॉम्प्लीमेंटेड है, तो यहां से मैंने इसको लिया और फिर कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट ही मैंने लिया तीनों का। देखिए यहाँ पॉइंट थोड़ा सा मैच कर दीजिएगा, ऐसे लगता है कि इससे जुड़ा हुआ है ना, और इन तीनों को मिला करके मैंने कर दिया एंड, और ये जो एंड है ये आपको दे रहा वाई नॉट, एग्री कहेंगे बिल्कुल एग्री। देखिए आपको कुछ भी याद रखने जैसी चीजें ही नहीं है, इसमें रटना ही नहीं है। सिमिलरली वाई वन को कैसे लिखिएगा ए नॉट बी नॉट सी नॉट, तो आइए ये रहा आपका ए नॉट, यहां से निकालिए, और दूसरा रहा आपका बी नॉट, इसको निकालिए, और ये तीसरा रहा आपका सी, सॉरी 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 देखिए ये रहा सी, मैंने सी नोट कर दिया, ये यहाँ से सी लीजिए, है ना, सी लिया हमने, अब इन तीनों को क्या किया एंड कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका वाई वन, समझ गए आप लोग। अब देखिए वाई टू में क्या है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, तो यहाँ से एक पॉइंट लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट का, और दूसरा पॉइंट लीजिए बी का, बी दूसरा पॉइंट लीजिए आप बी का, तीसरा पॉइंट लीजिए आप सी कॉम्प्लीमेंट का, है ना, तो ये हो गया आपका सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये हो गया आपका वाई टू,
ठीक है, ये हो गया आपका वाई टू। सिमिलरली आपका क्या हो गया वाई थ्री। वाई थ्री में आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ये रहा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, यहां से निकालिए, और दूसरा हो गया आपका बी सी, बी ए रहा ये बी, और ये रहा सी, आप कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये सब, इसको ध्यान से पॉइंट मिलाना है आपको, तो ये निकल के आ गया आपका वाई थ्री, क्लियर। सिमिलरली आपको निकालना क्या है वाई फोर, ए बी सी कॉम्प्लीमेंटेड है ना, तो ए पहले आप यहां से लीजिए और फिर क्या लीजिएगा बी कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा और सी का भी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो बी कॉम्प्लीमेंट नाउ योर सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये तीनों को मिला करके आप बना लिए वाई फाइव वाई फोर, क्लियर है। अब आप क्या करने वाले हो वाई फाइव, वाई फाइव में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आपका सिंपल नॉर्मल, तो नॉर्मल लीजिए, और बी भी नॉर्मल है यानी विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड ये लीजिए, और सी कॉम्प्लीमेंटेड, सॉरी ये बी आपका कॉम्प्लीमेंटेड है भाई। वाई फाइव के लिए देखिए ए कॉम्प्लीमेंटेड बी कॉम्प्लीमेंटेड सी नॉर्मल, तो देखिए मैंने ले लिया है बी कॉम्प्लीमेंटेड और ये रहा आपका सी नॉर्मल, सी नॉर्मल ठीक है, तो ये आपका हो गया वाई फाइव, ये आपका आ गया वाई फाइव ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है वाई सिक्स, तो वाई सिक्स को आप कैसे लीजिएगा, तो इसके लिए भी ए बी सी है ना, ए हो गया आपका दिस इज योर बी एंड नाउ दिस इज योर सी कॉम्प्लीमेंट, ओके सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया आपका वाई सिक्स ठीक है। अब आपके पास आएगा वाई सेवन, तो वाई सेवन के लिए ए बी सी विदाउट कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको, देख लीजिए एक्सप्रेशन में है लिखा हुआ, तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट मैंने सब ले लिया ठीक है। अब विदाउट कॉम्प्लीमेंट लेकर के तीनों को क्या किया एंड कर दिया वाई सिक्स सेवन है ना, तो ये आठ के आठ ये लाइन मेरा थोड़ा सा खराब बन गया, तो मैं इसको ठीक करने का कोशिश करती हूँ। आप थोड़ा सीधा सीधा लाइन खींचेंगे तो अच्छा लगेगा है ना, एग्जाम में ऐसा नहीं कि मेरी तरह आड़ा ठीक खींच दीजिएगा तो थोड़ा सा इंप्रेशन आपका खराब बनेगा, जैसे अभी आपके सामने मेरा बन रहा है ना, तो आप थोड़ा सा ना लाइन को थोड़ा प्यार से अच्छा से मिलाइएगा स्केल से है ना, तो ये थोड़ा सीधा सीधा बनेगा तो सर्किट देखने में सुंदर लगेगा, और जहां से आप पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट को जैसे मैंने थोड़ा नोट किया ना, इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया है यहाँ पर पॉइंट पर है ना, कि जैसे ये ज्वाइंट है तो ये थोड़ा सा आप दिखा देंगे ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपका जो सर्किट है ये किसका बन गया है, ये सर्किट आपका तैयार है 3 to 8 डिकोडर का, कि आपके पास जो इनपुट है वो बाहर कर दीजिए और आउटपुट को भी बाहर कर दीजिए, और बाकी जो डब्बा है उसके अंदर इसके पूरे गेट पे सर्किट को डाल दीजिए, डाल दिया आपने है ना, तो ये आपका सिंपल जो है अगर आपके एग्जाम में आपको आ गया 3 to 8 डिकोडर को क्या कीजिए डिजाइन कीजिए, तो इट इज वेरी सिंपल आपने डिजाइन कर दिया, लेकिन आजकल थोड़े क्वेश्चन सेटर भी स्मार्ट हो गए हैं तो वो कुछ इस तरह से इतना इजी सवाल पूछना पसंद नहीं करते हैं, तो इसमें आपसे पूछ देते हैं कि अच्छा साहब ऐसा करो कि आप ना डिकोडर सर्किट को यूज करके हाफ एडर को डिजाइन कर दो, फुल एडर को डिजाइन कर दो ठीक है, वो क्या पूछ देते हैं आपसे कि डिकोडर को यूज करके आप फुल एडर डिजाइन कर दो, तो हम लोग उसको भी डिजाइन कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इजी, तो इसको तो अब मैं हटा सकती हूँ ना, तो रहने देती हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ हेडिंग बदल देती हूँ, ये क्या हो गया, अब हम लोग जो डिजाइन करेंगे वो डिजाइन करेंगे फुल एडर ठीक है, फुल एडर यूजिंग 3 to 8 डिकोडर, विजिबल है आपको हेडिंग यस, तो ये अब मैं इसको देखती हूँ, तो देखिए आपको मैंने हमेशा क्या बोला है कि जिस भी सर्किट को आपको डिजाइन करना है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सप्रेशन आपको चाहिए, तो हम ऑलरेडी फुल एडर को कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, आपके पास उसको कैसे उस पर ट्रूथ टेबल खींचा जाता है, कैसे उसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है, ये सब कुछ मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया आपके प्लेलिस्ट में है, आप उसको देखेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट आपके एक्सप्रेशन को लिख देती हूँ ठीक है ना, ताकि इसको मैं डिजाइन कर सकूं ठीक है, क्योंकि बिना आपके एक्सप्रेशन के तो भला आप कैसे लिख पाएंगे है ना, सर्किट डिजाइन करने के लिए यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर योर एक्सप्रेशन है ना, तो जो आपका सम आता है फुल एडर का तो मे बी आपको याद होगा दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी राइट, तो ये सम एडर फुल एडर का जो एक्सप्रेशन है वो आपका ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी आता है, अब इसमें जो मीन टर्म है वन कौन कौन होता है,
तो ये हो गया 1, 2, 4 and 7, ठीक है। ये आप इसको सॉल्व करेंगे जो कि हमने उसमें कंप्लीट हाउ टू कम दिस मैंने उसको एक्सप्रेस किया है, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो इसको मैंने वहां कैसे लाया है ये सब दिखाया है। तो ये हो गया आपका सम टर्म, और उसी तरीके से आपका जो कैरी टर्म है वो आपका आता है, कैरी को आप लिखते हैं वैसे तो एक्सप्रेशन के फॉर्म में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और फिर मैंने इसको आपको बताया था 3, 5, 6, 7। देखिए मैंने वहां पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपका अगर ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का आया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मीन टर्म के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे ये आपको हमने उसमें बताया था, ठीक है। तो ठीक है, आपको जो मैं कर रही हूँ क्या कर रहे हैं हम डिजाइन की, भाई फुल एडर को आप डिकोडर के मदद से आप डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो फुल एडर का जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले तो देखिए आपको फुल एडर का ही ट्रूथ टेबल खींचना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल के बाद उसका एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, जैसे कि किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप करते हैं। तो ऐसा है कि हमने फुल एडर का कंप्लीट क्लास लेकर के आपका वीडियो अपलोड किया है, वहां ये आपको निकाल के बता दिया गया है कि सम जो उसका एक्सप्रेशन आता है आफ्टर रैली ट्रूथ टेबल वो आता है ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, और इसको मीन टर्म के फॉर्म में आप दिखाते हैं 1, 2, 4, 7, यानी इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या क्या आएगा, 1 यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस 2 यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस 4 यानी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस 7 यानी ए बी सी, समझ रहे हैं ना आप हमारी बात। तो ये आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करके आपका ट्रूथ टेबल लिख करके सर्किट डिजाइन किया हुआ फुल एडर वाले एक क्लास में, ठीक ना। तो प्लेलिस्ट में प्लीज उस वीडियो को देखिए आप लोग। उसी प्रकार से ये कैरी है, कैरी के लिए जो एक्सप्रेशन आपका आता है वो क्या था ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और इसको जब आप थ्री वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो टर्म आपका आता है 3, 5, 6, 7, इसको हमने ऑलरेडी वहां किया हुआ, मैं उस रिजल्ट को डायरेक्ट यहाँ यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप कैसे मिलाएंगे, अब देखिए अब ये डिकोडर तो बनाना है लेकिन हमको इस डिकोडर को यूज करके क्या करना है, फुल एडर बनाना है, ठीक। तो फुल एडर का सम क्या क्या होगा, तो 1 होगा तो आप किस पॉइंट को मिलाइएगा 1 को, ठीक है, और किसको लीजिएगा 2 को, है ना। देखिए y1 लिया y2 लिया और किसको लीजिएगा 4 को, और किसको लीजिएगा 7 को, यहाँ दिया हुआ है, इन सब को आपने क्या कर दिया और कर दिया है कि नहीं। तो जब आपने इसको और कर दिया तो फाइनली यू आर गेटिंग सम, क्या मिला आपको सम, ठीक है। अब जब कैरी आपको दिखाना होगा तो किसको किसको मिलाइएगा, देखिए ये है आपका 3 तो यहाँ 3 मिलाइए, और ये रहा आपका 5 और ये क्या हो गया 6 और ये क्या हो गया आपको 7, ठीक है। तो ये 7 को आप यहाँ से मिलाए और ये चारों का क्या हो गया मीन टर्म का सम, यानी ये हो गया आपका कैरी, है ना। तो ये आपका यूजिंग जो है एडर सॉरी यूजिंग डिकोडर आपने क्या डिजाइन किया फुल एडर। तो देखिए आपका जो एग्जाम होता है उसमें बखूबी इस तरह का सवाल पूछने का बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 3 to 8 डिकोडर को आप डिजाइन करें, ये सिंपल सवाल का उम्मीद अब मत रखिए, थोड़े से यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि डिकोडर को यूज करके एडर सर्किट डिजाइन करना हो या सबट्रैक्टर डिजाइन करना हो तो इस तरह का सवाल आपको अपने आप को प्रैक्टिस करके रखना है, और देखिए आपका ये वाकई में कितना आसान है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस एक्सप्रेशन अदरवाइज यू हैव टू कैलकुलेट दिस, राइट। तो ये आपको सम हमको पता है फुल एडर में क्या होता है, इसको याद रखना में बहुत मुश्किल है, 1, 2, 4, 7 कैरी हो गया 3, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये सम को आप सम कर दिए और गेट में और कैरी को और गेट में आप कर दिए, है ना। तो ये आपका निकल के आ गया सम, ये निकल के आ गया आपका क्या कैरी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस सर्किट इज फॉर फुल एडर यूजिंग 3 to 8 डिकोडर। तो होप सो कि आपने इसको बखूबी इंजॉय किया है, और थोड़ा सा देखिए ऐसा है पढ़ाई तो ऐसी चीज है कि थोड़ा प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है ना। तो एक ही चीज को आप जितना बार करते हैं आप उसमें उतना परफेक्शन आपका आता है, तो आपको समझ में आ जाता है, उसके बावजूद भी वीडियो को बार बार देखिए, उसको कॉपी पर लिखना नहीं भूलिए, है ना। कॉपी पर लिखने से थोड़ा सा एक कार्बन कॉपी आपके दिमाग में ज्यादा अच्छा बनता है, तो इस तरह से आप करिए, और
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए, इससे थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तब तक अपना ध्यान रखिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।